उन्नाव कांड में जांच कर रही सीबीआई ने अपनी जांच को एक कदम और आगे बढ़ाया है। सीबीआई रविवार को आरोपी ट्रक चालक आशीष पाल व क्लीनर मोहन श्रीवास्तव का नार्को टेस्ट करा रही है। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद सीबीआई टीम दोनों आरोपियों को लेकर गुजरात के गांधीनगर पहुंच गई है। हालांकि इन दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट पहले भी हो चुका है। जांच एजेंसी के डिप्टी एसपी राम सिंह ने सीबीआई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए कहा था कि नार्को टेस्ट के लिए दोनों ने सहमति दे दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 अगस्त तक बढ़ाए जाने के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर तिहाड़ जेल में बंद है। आपको ये भी बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता 28 जुलाई को अपनी चाची और मौसी और वकील के साथ कार से रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलकर वापस लौट रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाची दुष्कर्म मामले में सीबीआई की गवाह थी, जबकि गंभीर रूप से घायल पीड़िता और अधिवक्ता का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। साथ ही दोनों की हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है। एसपीएन 9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।